अर्चनी, पहले तो दिवाली पे लोग पर्सनली मिलके एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद देते थे, आजकल सारा बेड़ा गर्क हो गया, मोबाइल ने कर दिया एक्चुअली। कोई किसी से मिलता नहीं, हर कोई एक दूसरे को एसएमएस पे भेज रहा है दिवाली। अच्छा, जो लोग गुजिया से ऊपर कभी सोचा नहीं था जिन्होंने, वो भी भर भर के काजू कतली भेज रहे व्हाट्सएप पे। ये दिनेश को बड़े आते काजू कतली वाले मैसेज, इतना बेवकूफ है, मोबाइल अपना फ्रिज में रख दिया, कहता मिठाइयां बड़ी हैं, खराब ना हो जाए। अच्छा, हर कोई आदमी चाहता है ना ऊपर वाला उस पर मेहरबान हो जाए। तो फिर जिस आदमी ने सारी उम्र निकाल दी अपनी जवानी बुढ़ापा बेसन के लड्डू खा खा के, वो भी भगवान को जाके ना रसमलाई का भोग चढ़ाता है। अच्छा, जब इतनी महंगी मिठाई आती है ना, भगवान भी शक करने लगते हैं कि इतनी महंगी मिठाई चढ़ा रहा है, कहीं मेरे कड़े ना उतार ले। तो कभी कभी तो भगवान भी थोड़ा कॉन्शियस हो गए, यूं कर लेते हैं कि ये जाएगा तो मैं हाथ खोलूंगा। कुछ लोगों ने ना घर में तीन तरह की मिठाई रखी होती है, पड़ोसियों के लिए गच्चक गुड़ वाली, रिश्तेदारों के लिए आगरे का सूखा पेठा, और कोई उनका बॉस आए कंपनी का जो भी चीफ है उसके लिए काजू कतली। पड़ोसियों के आगे वही रखते हैं, वो रेवड़ियां हो गई, गच्चक हो गई। कई पड़ोसी बड़े शाने होते हैं, वो जानबूझ के ऐसे मौके पे घुसते हैं जब बॉस आया हो ना पड़ोसी का, वो भी साथ में घुस जाते हैं। आदमी भी देख रहा होता है ये काजू कतली के साथ रेवड़ियां कहां चली आ रही हैं, तो आदमी अब क्या करे। तो वो मौका होता है जब पड़ोसी आके ना काजू कतली पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है। क्योंकि उसने बॉस के सामने तो रखनी है। तो बॉस आके उनसे पूछ लेते, इनको भी दीजिए। आदमी को बड़ा गुस्सा आता है, बस ये तो आप लीजिए, इनको तो मना किए, शुगर है इनको। ये तो आते रहते, इनका तो छोटा बेटा भी हमारे छोटे कमरे में हुआ था। पड़ोसी कहीं फिर भी बदतमीज होते, फिर एक से क्या होगा। वो ऐसे लोग होते हैं जो शुरू यहाँ से करते हैं, प्लेट तक जाते हैं तो यूं कर लेते हैं, तो फिर उनके घर में आया था ना, वो भी करते हैं, इनकी मना किया भाभी जी ने, रखिए इधर, काजू कतली रखवा के छोड़ता है वो। अच्छा, एक मिठाई वाले के परिवार में कितने लोग हैं ना, इस बात का अंदाजा उस बात से लग जाता है जिस दिन दिवाली होती है ना, पूरा परिवार बैठा रहता है दुकान पे, बड़ा ताऊ बड़ा सा पेट निकल के ना उसकी अपनी कचौरी बाहर निकल, समोसे निकाल रहा होता है वो तेल वाले, भतीजा मिठाइयां सजा रहा है, छोटी बहन तोल रही है, माँ कहीं पे बैठी हुई है, सारे परिवार में से मिठाइयों की खुशबू आती पता। हाँ, तो वो सूंघ के बता देते, तेरी ड्यूटी कहाँ थी, लड्डू पे था। अच्छा, तो जलेबी पे थी। दिवाली के मौके पे जो मिठाई की दिखाने लगती है, आपने देखी होगी ना, दुकान से बाहर तक लग जाती है। उस समय बड़े बड़े ऑर्डर सुनते हैं वो लोग, आप बोलो ना 5 किलो काजू कतली देना, हाँ आप 5 किलो काजू कतली, अगर कोई बोल दे 1/2 किलो लड्डू, सुनते नहीं वो। अपने दास दादा बड़ी होशियारी करते हैं कि जानबूझ के पहले बोलते हैं 5 किलो काजू कतली, वो जैसे देखता क्या बोला आपने, 1/2 किलो लड्डू। वो कहता आपने तो अभी काजू कतली बोला था 5 किलो, तू पहले 1/2 किलो लड्डू दे, काजू कतली देखेंगे। हमारी अर्चना जी तो बड़ी बड़ी दुकान पे जाती हैं। कल एक बहुत बड़ी दुकान पे गई, 100-150 मिठाइयां चखी इन्होंने। दुकानदार बोलता बहन जी लेना क्या आपने, सॉरी बहुत सी लग रही है, कल की लग रही है। सारी कल की लग रही है, आज की फ्रेश मिठाई दिखाओ। तो बोलता मैडम आप कल से टेस्ट कर रही हैं, हम तो घर भी नहीं गए, दुकान आपने बंद नहीं करने दी, बताओ लेनी कौन सी है। मैं तो मिठाइयों से दूर रहती हूँ, चलिए घर पे। अच्छा, दिवाली पे कुछ लोग क्या करते हैं, बचे हुए गुलाब जामुन ना काजू कतली के डिब्बे में डाके रिश्तेदारों को दे देते हैं। रिश्तेदार भी शाने आपको, 2-3 दिन बाद ना घूम के वही गुलाब जामुन आपके पास आ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो ब्राउन से थोड़ा थोड़ा हरा हो जाता है। अब क्या करें, थोड़ी थोड़ी स्मेल भी मारने लगता है। तो कई लोग कुत्ते के आगे रख देते हैं। अच्छा, कुत्ता भी जब गुलाब जामुन देखता है ना, तो पहले तो गुलाब जामुन को देता है, फिर वो उसको देखता है जिसने दिए होते हैं, तो सोच के गाली देता है। ये दिनेश दिवाली पे किसी के घर जाता ना, ये नहीं डरता, दबा के मिठाई पेलता है पूरी, पेट भरा भी हो तो भी खा लेता है। अच्छा। कहता पेट ही भरा, गला तो खाली है, यहां तक खा लेगा। क्योंकि इसको पता रहता है ना, पेट खराब भी हो गया तो बाहर तो पटाखे चली जाए, अपना कौन सा पता चलेगा। ये पकड़ा तब जाता है जब कोई बम चलाता है और उसका बम फुस हो जाता है। इसका तो इनबिल्ट है, तो आवाज देगा देगा। दिवाली में सबसे ज्यादा टेंशन में वो लड़कियां रहती हैं जिन्होंने ऐसे रंगोली बनाई रहती है, जिनके घर आते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं ना, आइए आइए हैप्पी दिवाली। ये लोग मुंह नहीं देखती पहले, सिर्फ पैर देखती, ध्यान से अंकल ध्यान से, रंगोली भी ना आ जाना, इधर से आओ।
तो जब आदमी निकल आता है ना उसके बाद देखती हैं, हेलो मास्टर जी हैप्पी दिवाली, ये आगे बोलते चलो। अगर कोई गलती से इनका अंकल चाचू ताऊ ऐसे पैर छाप देना, उसको फिर ये गंदे तेल का नमकीन खिलाती है। हाँ गुस्से में खिलाती है किसी ने हमारी रंगोली खराब की। अंकल फिर घर जाकर कमोड़ में रंगोली बनाता है। आजकल आप पिछली दिवाली वाले कपड़े रिपीट कर ही नहीं सकते। हाँ। फेसबुक आपको याद दिला देता है। हाँ। जैसे पांडे ने कुर्ता पजामा पहना ना, तो इसने कुर्ता तो कोई नया ले लिया, पजामा पिछले साल वाला पहन लिया। और फेसबुक वाले ने फोटो डाल दी, वी केयर फॉर योर मेमोरीज, ये उससे ही लड़ रहा है। कहता केयर ही करनी तो मेरे बच्चों की कर, मेरे पजामे की करेगा। भड़क रहा था उसके। अच्छा आपको पता पटाखों के डिब्बों पे आजकल हीरोइन की फोटो लगी रहती है। हाँ। जो छोटे छोटे बम होते हैं ना उस पे आलिया भट्ट का फोटो लगा रहता है। हाँ छोटा बम, उसको आग लगाते ना तो वो फटफट नहीं कहता, वो कहता बट पट 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 पट। आपको पता आपकी भी फोटो लगती है, आपकी लगती है उस पे, जो अनार नहीं होता आग लगाओ तो जो ऐसे करके फटता है। कुछ लोग पटाखों से बड़ा डरते हैं, जैसे कोई बड़ा भाई आग लगाए ना तो मामियां चाचियां भाभियां जो रहती हैं, अरे ध्यान से है ना, तो आग लगाए ना ये दूर से खड़ी रहती करेंगी। तो एक भाभी होती ना थोड़ी मुंह लगी जो खुली होती है, अरे कुछ नहीं होता तो ये जाके ना बम तो होती, कुछ नहीं होता इससे क्या है, इससे इतना सा तो बम है। तो फिर आग लगाती ना ये, आग भागती उससे भी तेज, जो डरी होती ना, जो डरी है वो यहाँ खड़ी है, ये भाग लगे फिर आएंगी। छोटी गलियों में और भी प्रॉब्लम होती है। हाँ। एक चाचा इधर गए, इधर से बम फटा, इधर से बच के भागे, किसी ने इधर जला दिया, उसके बाद में बम फटता उनकी लुंगी में। फिर उनकी गाली जो होती है ना, गाली देते हैं वो। फिर वो उनकी आवाज की तीव्रता से पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। दिवाली के दिनों में लोग सफाई बड़ा करते हैं घरों की, मतलब सफाई वाला तो चलो आते ही आते हैं, ये डस्टिंग वाला प्रोसेस हमें पता नहीं था पहले कि डस्टिंग भी होती है। मुझे तो झाड़ू ही लगता था हमारे घरों में, तो ये यहाँ पे आगे पता चला है। तो ऐसे मौके पे जो घरों की सफाई करते हैं ना, तो सब सफाइयाँ होती हैं, घर की एक एक चीज़ निकाल के साफ करते हैं। ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग जो बेचारे चले गए हैं उनकी फोटोग्राफ भी लगी रहती है, यूं करके फ्रेम में लग रही है। तो अब नई बहू जो आई है उसका तो कोई इमोशन जुड़ा नहीं उसके साथ, क्योंकि दादू तो उनके आने से पहले चले गए थे, तो उसके लिए मनोहर लाल और मोनालिसा सेम ही है दोनों। तो मनोहर लाल तो वो फिर क्या करती है, नहीं नहीं मेरी बहू, वही फिनाइल वाला कपड़ा ना, वही दादाजी की पेंटिंग के मार देती है ऊपर, वही दादाजी की फोटो पे। तो दादा जो फोटो फ्रेम में ऐसे लगा रहता है ना, जब फिनाइल वाला कपड़ा लगता है ना ऐसा हो जाता है। कहीं तो इतनी जोर से कपड़ा मारती दादाजी की ऐनक टेढ़ी हो जाती। अरे जैसे कांस में जाते हैं बहुत सारे लोग ना, वो अतरंगी तरंगी ड्रेसेस पहनते हैं, यहाँ पे कट लगा ये हूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप कांस में गए थे आपने ऐसी ऐसी ड्रेसेस पहनी थी कि साड़ी नहीं, मैंने मैंने रिस्क लिया था। आई मैंने बहुत ज्यादा छोटी सी ड्रेस पहन के मैंने सोचा कि लोग देखेंगे, मगर दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। फिर मैंने क्या किया, मैं सीधे गई, मैं बोली ऐसे तो ये लोग नहीं देख रहे क्योंकि इनको आदत हो गई है ऐसे कपड़ों में लोगों को देखने की। मैंने बहुत जल्दी से जाकर साड़ी चेंज कर साड़ी पहन के आई, एंड दे वर अप्लॉडिंग एवरीवेयर। अच्छा आप अलग अलग जगह पे जब परफॉर्म करते हैं जी, तो जैसे आपने बताया कि जिन घरों में खुशियां आती हैं आप वहां दुआएं देने जाते हो, बधाई देने जाते हो, तो बड़े सारे फनी किस्से होते होंगे आपके साथ तो। हाँ लोग हमें पूछते हैं, अरे आपको कैसे पता चला, अभी तक तो हुआ भी नहीं है। एक्चुअली पता ही है, आपके बारे में कहा जाता है कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर को भी नहीं पता होता, लेकिन इनके एरिया में कौन प्रेग्नेंट है इनको पहले पता चल जाता है। ऐसा है कि ये आज से नहीं, ये रामयुग से चला आ रहा है। अच्छा। जब कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया था तो सुबह हम पहुंच गए किन्नर अपनी बधाई लेने के लिए, तो जब भगवान के घर हम दूसरे दिन पहुंच गए, जब रात को वो हुए सुबह हम उनके यहाँ चले गए। आप तो इंसान हो। जब हम हमें अगर पूछा जाता है तो हम यही बताते हैं, पेट में था आपका बाहर आया हमारा। अच्छा मैं नजदीक जाना चाहूंगी कपिल जी, जी। मैं थोड़ी सी मस्ती कर लूं। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों का दिल टूटने वाला है,
हिंदुस्तान में पूरे बट आई विल नॉट टेक द चांस ऑफ मिसिंग कपिल कपो. हाँ जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. मेरा अरमान था, सबको सुनती थी, सब आके हीरोइन लोग दीपिका कभी अनुष्का सब कहते थे कपो कपो कपो. तो मैं भी सोची मैं जिस दिन मिलूंगी मैं भी अरमान सब कपो. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.